अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरा नदीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही थी पकोड़े। जी, पकोड़े। मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। पकौड़ों में जो चीजें मैं डालती हूँ, देखें, ये है प्याज। प्याज को इस तरह काट के मैंने रखा हुआ है। हरा धनिया, हरी मिर्च, लीमू और ये शिमला मिर्च के अलग से मैं पकोड़े बनाऊंगी, ठीक है। और इसमें जो मसाले मैं डालती हूँ आपके साथ सामने डाल के दिखाती हूँ। नमक 1 चम्मच और लाल मिर्च 1 चम्मच ये डाल देना है। ये मैंने सफेद जीरा और ये धनिया, साबुत धनिया, इसको भी आपने 1-1 चम्मच डाल देना, ठीक है। इसके बाद ये है चाट मसाला। चाट मसाला 1 टीस्पून डाल देना है। थोड़ा सा ये धनिया पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून। ये तो हमारे मसाले इसमें चले गए। और मेरा बेकिंग पाउडर कहाँ है? पकौड़ों में सोडा डलती है या बेकिंग पाउडर? मेरे पास ये बेकिंग पाउडर है, तो मैं तकरीबन ये इतना ये बेकिंग पाउडर इसमें चला गया, ठीक। अब मैं इसमें पहले ये मसाले डाल के, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च ये डाल के इसको पानी के साथ मिक्स कर दूंगी। ये देखें, प्याज, हरी मिर्च, धनिया मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और ये शिमला मिर्च है, इसमें ये अलग से बेसन है, तो इसके अलग से पकोड़े बनेंगे और ये अलग से बहुत टेस्टी बनते हैं। बनाइएगा जरूर। अगर इसको पुदीने की चटनी के साथ खाया जाए तो बहुत अच्छे। मैं आप लोगों को पुदीने की चटनी बनाना भी सिखाऊंगी। तो चलते हैं फ्राइंग की तरफ, आप आए मेरे साथ। ये तेल मैंने गरम करने को रख दिया था, तकरीबन गरम हो चुका है, देखें। और आपने अगर चेक करना है पहले कि तेल गरम है कि नहीं, थोड़ा सा बेसन डाल के देखें, अभी गरम पूरी तरह। तेल अब गरम हो चुका है। मैं चम्मच से नहीं डालूंगी, मैं हाथ से ये इसको ऐसे करके सही तरह डालते हैं। ये देखें, आजकल मौसम जिस तरह का है उसमें पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे भी घर में कोई और चीज नहीं हो शाम को तो अच्छा है पकोड़े बना के खाएं, मजा आता है। मिक्सिंग वगैरह जितना हाथ से अच्छी होती है उतने चम्मच से नहीं। हाथ अपने साफ सुथरे करके फिर आप चीजें इस्तेमाल में लाया करें। मजे, बहुत टेस्टी बनते हैं, बनाइएगा जरूर। अभी थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ेंगे, फिर इनको टच करेंगे। ये देखें, हमारे ये पकोड़े एक तरफ से पक चुके हैं, हमने ये साइड चेंज कर दिया। कोई इतनी मेहनत वाला काम नहीं, फटाफट बन जाते हैं। आपने मसाला बनाया, उन्हें तला, झटपट में खाया और मजे किए और अपने घर वालों को भी खुश किया। और अगर कोई मेहमान आ जाए घर में और घर में कोई चीज और अवेलेबल नहीं है तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। पकौड़े बनाए, चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, मेहमान भी खुश और हम भी खुश। पकोड़े बन चुके हैं और इनको बड़े तरीके से आपने देखिए तेल बिल्कुल मैंने हटा दिया है और हमने इसको निकाल दिया। कोशिश करें कि तेल बिल्कुल निकल जाए। ये पकोड़े निकल गए, हमें दूसरे डालते हैं। मेरे प्याज वाले पकोड़े बन चुके हैं, अब मैं शिमला मिर्च वाले पकोड़े डाल रही हूँ। तो ये आपके सामने मैंने कहा कि आपको देखिए, मैंने शिमला मिर्च ऐसे काटा था और इसमें ये बेसन और मसाले डाल के अब मैं इनको ऐसे करके इसमें डाल रही हूँ। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मजेदार बनते हैं।
एक एक करके इस बटर के रिंग्स को डालते हैं। जी ये देखिए, ये जो हमारे शिमला मिर्च वाले पकोड़े थे ये भी बन चुके हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये देखिए। और शिमला मिर्च इसके अंदर बहुत टेस्टी होती है, जब आप बनाएंगे ना बहुत अच्छे लगेंगे। इसको भी हम निकालते हैं प्लेट में। और ये शिमला मिर्च वाले पकोड़े एक दफा मेरे कहने पे बनाइएगा जरूर, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, पकोड़ों में आप कोई भी चीज डाल सकते हैं, आलू के पकोड़े भी बनते हैं, शिमला मिर्च के भी, हरी मिर्च के भी। और मैं कोशिश करूंगी अगली दफा आपको हरी मिर्च के, जो भरी हुई हरी मिर्च होती है, उसके पकोड़े बनाने सिखाऊं। सीखे तो आप लोग सब हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उस तरीके से आपको दिखाऊं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपने प्यारों के साथ रहें और अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।